नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी और अंक शास्त्री हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। मित्रों, इस समय हमारी चर्चा का विषय है अंक ज्योतिष और इस वीडियो में हम और आप चर्चा करेंगे मूलांक 9 के बारे में। आप में से अधिकांश लोगों को मूलांक के बारे में जानकारी है और अगर नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होगा। यदि आपका या आपके किसी जानने वाले का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपको हमारा यह वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल को उत्साह और ऊर्जा का द्योतक ग्रह माना गया है। अतः मूलांक 9 वाले काफी उत्साही स्वभाव के होते हैं। ये ताकतवर शरीर के होते हैं। आवाज भारी हो सकती है, तीखी हो सकती है और ऊंची हो सकती है। ये किसी भी परिस्थिति से निपटने का मादा रखते हैं। ये अनुशासन प्रिय होते हैं क्योंकि मंगल को सेनापति ग्रह माना गया है, अतः वह अनुशासन में रहता है। तो मूलांक 9 वाले अनुशासन प्रिय, सिद्धांत के पक्के होते हैं। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मूलांक 9 ही था। इनका जीवन यानी मूलांक 9 वालों का जीवन कुछ हद तक संघर्षपूर्ण रहता है, हालांकि ये उससे निपटने में समर्थ भी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति कलात्मक भी हो सकती है। गीतकार गुलजार और अभिनेता गुरुदत्त का मूलांक 9 ही है, लेकिन ये अपनी खुशामद बहुत पसंद करते हैं। मूलांक 9 वालों को अपनी खुशामद बहुत पसंद होती है, अतः इन्हें चापलूसों से सावधान रहने की सलाह मैं देना चाहूँगा। यदि हम इनके शिक्षा की बात करें, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, तो ये लोग प्रायः शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र होते हैं। इनमें किसी भी विषय को ग्रहण करने की बहुत उत्तम क्षमता होती है, अथाह शक्ति होती है और यही कारण है कि ये उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहते हैं। हो सकता है कि बचपन में इनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान रहे, अतः कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, शिक्षा बीच में ही उन्हें छोड़नी पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर की शिक्षा अच्छी होती है। अगर हम इनके रुचिकर विषय की बात करें तो कला और विज्ञान में इनकी अच्छी रुचि रहती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलांक 9 वालों को कंप्यूटर और मोबाइल से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हुए भी देखा जा रहा है। यदि हम मूलांक 9 वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील रहती है। ये खूब खर्च करते हैं लेकिन इनके पास जमीन जायदाद खूब होती है, यानी पैसे के संचय में ये थोड़े से कमजोर हो सकते हैं लेकिन इनके पास जमीन है पर्याप्त मात्रा में देखी गई है। इन्हें ससुराल से भी खूब धन मिलता है, वो दहेज के रूप में हो या उपहार के रूप में हो, लेकिन मिलता है। इन्हें कुछ जोखिम भरे कार्यों को करने से भी धन मिलता है, लेकिन इन्हें मैं उन मामलों में सावधानी से काम लेने की सलाह देना चाहूँगा। यानी कि कुल मिलाकर मूलांक 9 वालों की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो उसे हम अच्छा कहेंगे। यदि हम इनके संबंधों की बात करें तो सामान्यतः मूलांक 9 वाले आम तौर पर भाइयों में बड़े हो सकते हैं। इन्हें बचपन में सुख कम मिलता है। ये अपने संबंधियों को खूब लाभ पहुँचाना चाहते हैं लेकिन भाई बहनों से मनमुटाव होने की भी स्थितियां बनती हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई बहन इन्हें थोड़ा सा घमंडी समझते हैं, हालांकि ये घमंडी वास्तव में होते नहीं हैं। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात करें तो इनके प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते। गुस्से, स्वाभिमान या अभिमान के कारण भी इनके प्रेम संबंधों को टूटते हुए देखा गया है। ये सुंदर और आज्ञाकारी जीवन साथी का साथ चाहते हैं लेकिन विलासिता की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। हालांकि सब में नहीं लेकिन कुछ में मिलती है, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इन्हें अगर हम संतान के दृष्टिकोण से कहें तो संतान सुख इनको साधारण मात्रा में मिलता है। यदि इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो मूलांक 9 वाले जोखिम उठाने वाले व्यापारों में अधिक देखे गए हैं, यानी ऐसे व्यापार जहां बड़ा फायदा होता है लेकिन जोखिम रहता है, उनमें मूलांक 9 वालों को देखा गया है। इसके अलावा ये इंजीनियर, डॉक्टर, आग या बिजली से संबंधित कामों से जुड़ करके उन कामों को करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके अलावा ये राजनीति, होटल संबंधी काम, टूरिज्म, घुड़सवारी या सर्कस से जुड़े काम करते हुए भी देखे गए हैं, या ये लोग ये काम कर सकते हैं।
यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मूलांक 9 वाले सामान्य तौर पर बुखार, सिरदर्द, चोट, रक्त विकार, उदर रोग आदि से कष्ट पा सकते हैं। इन्हें आग और केमिकल के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने का भय भी रहता है, अतः इन चीज़ों से दूर रहें या जब भी इनसे जुड़ें बहुत सावधानी पूर्वक जुड़ें। इनके लिए 9, 18 व 27 तारीखें तथा रविवार, मंगलवार, सोमवार और गुरुवार के दिन शुभ रहते हैं। अगर हम इनके लिए रंगों की बात करें तो इनके लिए लाल व गुलाबी रंग अनुकूल होते हैं। तो आशा है मूलांक 9 वाले अपने बारे में इन तथ्यों को जानकर अनुकूल आचरण करेंगे और अपने जीवन पथ को सरल बनाकर जीवन का आनंद लेंगे। नमस्कार।